धन्यवाद, करने पे हो सकता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर, राजकुमार शर्मा सोनभद्र रेणुकूट से बोलिए। यह राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं को सत्ता चाहिए, व्यापारियों को व्यापार में लाभ चाहिए, युवाओं को शराब, क्रिकेट, गर्लफ्रेंड और मस्ती चाहिए। आज समाज ने अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं और खुशियों को पूरा करने के लिए देश को भुला दिया है। चीन ने भारत के अंदर घुसकर भारत की धरती पर अपना कब्जा कर लिया है और हम अपने स्वार्थ और निजी कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और इस सरकार के पास न तो नीतिकार है, न कूटनीति है और न ही इच्छा शक्ति है। यह सरकार सिर्फ देश के अंदर नियत्थे और अपनी जायज मांग को मांगने वालों के ऊपर लाठीचार्ज और मुकदमों में फंसाने में ही अति गंभीरता का परिचय देती है। लूट खसोट और भ्रष्टाचार के आकंठ डूबी हुई यह सरकार सिर्फ जांच और कड़े शब्दों में निंदा करने में ही अपनी बहादुरी समझती है। आज सरकार की विदेश नीति पूर्णतः प्रभावहीन हो चुकी है, जिसका परिणाम आज चीन हमारे सीने पर चढ़कर बेखौफ बैठा हुआ है। अगर आज देश की सुरक्षा के प्रति सरकार निकम्मी हो चुकी है तो हम समाज के लोगों को आगे आकर चीन की बनी वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करके उसकी होली जला देनी चाहिए और राष्ट्र के प्रति सच्ची राष्ट्रभक्ति दिखानी चाहिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, हेलो सर, बोलिए। सर मेरा नाम करण है, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हेलो, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम अभी फौजी में ट्रेनिंग ले रहे हैं सर। हाँ सर, सिर्फ एक आधा घंटे के लिए इंडियन आर्मी को छोड़ दें, सब चाइना वालों को काट रख देंगे सब। बिल्कुल, धन्यवाद। देश के सैनिक कह रहे हैं कि हमको आदेश दो। जिस सीमा की रक्षा के लिए हमने आंखों में तेल डालकर दिन रात सेवा की, कभी परिंदे को भी जहां पर परिंदे को भी जहां पर आने नहीं दिया, ऐसे सीमा पर जब सैनिक 19 किलोमीटर शत्रु का आता है तो सैनिक का सीना कितना चीरता होगा, कितना दुखी होता होगा और इस देश के सैनिकों के मन में कितनी पीड़ा होगी, इसका अनुभव हम कर सकते हैं। लेकिन सरकार है कि शुरू में तो इसको घुसपैठ मानने को ही तैयार नहीं थी, लेकिन जब सेना ने कहा कि ये घुसपैठ ही है और ये सीमा के अंदर आक्रमण है, तब जाके सरकार को भी ये कहना पड़ा और देश का कुछ मीडिया इस विषय पर जो चुप था उसको भी अब मुंह खोलना पड़ा। अगले कॉलर। नमस्कार, मैं रमेश चौधरी बोल रहा हूँ मुंबई से। बोलिए। कहना चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है भ्रष्टाचार करके, क्या कहेंगे आप, इसी तरह से वो अपने हिंदुस्तान तो आजू-बाजू के कंट्रियों को देके उनको गिरती रख पैसा कमा के चाइना में जमा करना चाहती है, पाकिस्तान में जमा करना चाहती है। पाकिस्तान के थ्रू फॉरेन कंट्रीज में पैसा जा रहा है, फॉरेन बैंकों में जा रहा है, क्योंकि जहां से बैंक से जा नहीं सकता, सब पकड़ लिया गया है मीडिया लोगों ने, चाइना में जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये मुद्दा पिछले बार भी बिंदास में आया था और हम इसको जरूर दोहराना चाहेंगे कि स्विस बैंक में पैसे डालने की बात को दुनिया भर में इतने उछलने के बाद कई राजनेताओं ने, भारत की भी राजनेताओं ने, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या जो छोटे छोटे दूसरे देश है उनके ऊपर अमेरिका ने और भारत जैसे बड़े देशों ने जब दबाव बनाया तो उन्होंने अपनी बैंकों की जानकारी सार्वजनिक करने शुरू की, तो काला पैसा रखने वाले नेताओं ने चीन जैसे दबंग देश में अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए चीन की तरफ रुख किया और अब चीन में इस देश के कई उद्योगपतियों का, इस देश के कई नेताओं का और कई भ्रष्ट अफसरों का पैसा है और वो चीन, उसके खिलाफ भारत अगर कुछ कार्रवाई करता है तो वहां पड़े लाखों करोड़ रुपए वो दबा लेगा। इस डर से कई लोग बोलने को और सरकार को ऐसा करने से शायद रोक रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार, हेलो, बोलिए। मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ ग्वालियर से। हाँ, चाइना ने जो घुसपैठ की है उसके लिए जो हमारे पास इतनी शक्तिशाली सेना है उसका इस्तेमाल करने की बजाय हम लोग बातचीत की रास्ता क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल। दूसरी चीज, हमारी जो मीडिया है वो फालतू समाचार दिखाना तो मिले करती है, इसकी हत्या हो गई, उसकी बलात्कार हो गई, इसको व्यापक तौर पर क्यों नहीं दिखाती चीन के केस को? बिल्कुल, हमारे देश की जनता ऐसी है जो वक्त आने पे और अपने मंगलसूत्र दान कर देती है जंग के लिए। बिल्कुल। और यहाँ की माए जतला करके भेजती बच्चों को कि गोली पड़े तो सीने पर नीचे पीठ पे नहीं। बिल्कुल। ऐसी फौज होने के बाद भी हमारे देश में चीन घुसी जा रही है और हम लोग शांत बैठे हैं। बिल्कुल, इसके लिए व्यापक अभियान होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही कि
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसी देश में नेताजी ने कहा था और लोगों को खून मांगा था। उस समय लड़ने के लिए जब दान मांगा था तो लोगों ने अपने मंगलसूत्र उतार कर नेताजी के सेना को शक्ति देने के लिए सहयोग दिया था। उसी देश में अपना मंगलसूत्र उतारना या उस लड़ाई के लिए कुछ पैसे देना तो दूर, चाइना जैसे शत्रु को मुनाफा देने का काम इस देश के बेईमान लोग कर रहे हैं, इसको रोकना जरूरी है। अगले कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हेलो सर। हाँ हेलो सर, मैं गोलू यादव थाईलैंड से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी हमारी जनता बहुत गंभीर है पर हमारी सरकार गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं है इसलिए हमारी हमारी जो सरकार है वो ये भी नहीं सोच रही है कि हमारी जनता का क्या होगा। इधर से पाकिस्तान एक तरह से हमारी सैनिकों का मुड़ी काट दे रहा है, उधर से चीन 15 से 20 किलोमीटर हमारी सीमा के अंदर घुसी आ रही है और ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जब उनके सिर पे बैठ जाएगी तब ये सोचेगी कि क्या क्या किया जाए। इसलिए हम लोग को ये जरूर सोचना होगा हमारे में। पूरे आपके सुदर्शन न्यूज के से बोलना चाहूंगा कि आप लोग पूरी तरह से आवाज उठाएं। बिल्कुल धन्यवाद, हम यही काम कर रहे हैं और आवाज उठाना चाहते हैं, देश का आवाज बुलंद करना चाहते हैं। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि सरकार और समाज गंभीर नहीं है। दादागिरी, चीन भारत की सीमा में 19 किलोमीटर तक अंदर घुसाता है। फ्लैग मीटिंग में अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर कोई आश्वासन नहीं देता है, उल्टे भारत पर घुसपैठ का आरोप लगाकर उकसावे वाली बात करता है। चीन के दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग। चीन में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात की। शी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री से गर्मजोशी से मिले, लेकिन उसके तुरंत बाद चीन ने भारत में घुसपैठ करा दी। ऐसा ही भारत चीन युद्ध के वक्त हुआ था। चीन का भारत को चारों ओर से घेरना। चीन पाकिस्तान के साथ अपने नजदीकी संबंध बनाकर उसके बंदरगाहों पर अपनी सेना की तैनाती की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन अपनी सेना तैनात कर रहा है। श्रीलंका के साथ बंदरगाह निर्माण कर रहा है। नेपाल के रास्ते घुसपैठ करा रहा है। भारतीय बाजारों को सस्ते व प्राणघातक चीनी उत्पादों से भरना। भारत में चीनी आयात सकल घरेलू उत्पाद का 12% तक पहुंच गया है। ये सस्ते उत्पाद भारत में बीमारियों का हब तैयार कर रहे हैं। खुफिया सुरक्षा को तोड़ता चीन। चीन हमारे अत्याधुनिक खुफिया तंत्र में अपनी घुसपैठ बना चुका है। चीन ने कई ऐसे यंत्र बनाए हैं जो भारत में प्रयोग होने पर जानकारी सीधे चीन को भेज देते हैं। भारतीय हुक्मरानों का मौन। चीन लगभग 3 हफ्तों से हमारी सीमा में 19 किलोमीटर तक घुसा हुआ है, लेकिन भारतीय हुक्मरान चीन की यात्रा करने जा रहे हैं। समाज का चीनी माल का बहिष्कार न करना। हमारा समाज हर रोज करोड़ों का माल खरीदकर चीन को शक्ति प्रदान कर रहा है। न सिर्फ इससे चीन मजबूत हो रहा है बल्कि हमें आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के साथ बीमारियों वाला देश भी बना रहा है। भारतीय व्यापारियों को केवल मुनाफा दिखता। भारतीय व्यापारी चीनी माल भारत के बाजारों में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन देश और समाज के प्रति वे अपनी जवाबदेही नहीं निभा रहे। ये कारण है, इन कारणों में और भी आप इजाफा कर सकते हैं, अपने तर्क और मुद्दे भेज सकते हैं। अगले कॉलर, नमस्कार। सर मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और आपका सारा चैनल और सारा प्रोग्राम देखता हूं कि आज आपने ये चीन का मुद्दा उठाया और आपके माध्यम से मैं अपने देश के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि गलत रवि से मुनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते कारो बका बदल डालो। जब ये बदलोगे तभी हमारे देश तरक्की के मंजिल पे पहुंचेगी। धन्यवाद, आप भी ऐसी प्रतिभा के साथ अपने शब्दों के साथ और इस मुद्दे को जान दे सकते हैं, इस मुद्दे में जान डाल सकते हैं, इस मुद्दे को जान के साथ लोगों के मन में उतार सकते हैं और इस लड़ाई को और मजबूत कर सकते हैं। अगले कॉलर। हाँ
हाँ जी नमस्ते जी, मैं नितेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए सर, मेरा ये मानना है कि क्या कहते हैं, जो हमारी इंडिया की पॉलिसी है वो बिल्कुल ही गलत है। हमारी जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, ये यहाँ पे जो साउथ में है श्रीलंका वाले जो है इनका इनको जीना दुश्वार कर रखे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान जो है हमारे सैनिकों के सर काट देते हैं, इधर चाइना जो है हमारे देश के अंदर आ चुका है। तो सर मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज है उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनकी तरफ थोड़ा सा कड़ा रुख करना होगा, तभी हम जो है इनसे टैकल कर पाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। जो ये कह रहे हैं सर, नमस्कार सर, जो ये सरकार नपुंसक सरकार है और इनसे क्या वो कर सकते हैं? जो तो देश गुलाम था तो कैसे आजाद करवा है, ये इनको कुछ नहीं पता है। ये अपनी चीज मांगने में भी इनसे ये सोचते हैं भाई उनसे वो लें, परमिशन लें। ये खत्म है आदमी ये। धन्यवाद। अगले कॉलर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं गणेश विश्वकर्मा बाकी सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। हाँ। ये सलमान खुर्शीद जी 9 तारीख को जा रहे चाइना पे, चाइना में जो 19 किलोमीटर का जो मातृभूमि है यानी कि 7,500 स्क्वायर किलोमीटर उसका बैनामा लेने गए जा रहे हैं। इस देश को देश कहते चोर नेताओं से क्या होगा, अपना जीरो काउंट बढ़ाने जा रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे पास कुछ MMS भी आए हुए हैं, कई प्रतिक्रिया आई हुई है और इन सारी प्रतिक्रियाओं के साथ हम आपकी अभिव्यक्ति के साथ इस विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप साथ साथ में जब कॉल कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तब हम आपको स्क्रीन पर फेसबुक के द्वारा भेजी गई आप लोगों की अभिव्यक्ति भी दिखा रहे हैं, जो कि देश के ही नहीं दुनिया के कोने कोने पे जो sudarshantv.com हमारा न्यूज़ पोर्टल देखा जाता है, वहाँ पर विपरीत समय में भी, उल्टे समय में भी, रात के या सवेरे के 4 बजे कई देशों में, रात के 2 बजे तो कई देशों में अलग अलग समय पर इस कार्यक्रम को लोग लाइव देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा भी अपनी बात को रखते हैं। हम परिणाम यहाँ पर देखते हैं। चीन हमें आर्थिक रूप से गुलाम बना लेगा। जिस तरह से चीनी सामान हमारे बाजारों में भरा पड़ा है, हम पूरी तरह से चीनी सामान पर निर्भर हो गए हैं। ऐसे में अगर चीन से युद्ध होता है तो हमारे बाजारों में सामान की कमी हो जाएगी, भारतीय कामगार बेरोजगार हो जाएंगे। जिस तरह से सस्ता चीनी माल हमारे बाजारों में आ रहा है, इससे हमारे टिकाऊ माल बनाने वाले छोटे छोटे उद्योग उसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। ऐसे में हमारे भारतीय कामगारों पर बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। चीन हमें कमजोर करने में कामयाब हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही चीनी थिंक टैंक ने एक वक्तव्य जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि भारत विविधता वाला देश है, भारत की इसी विविधता का फायदा उठाकर उसे अलग अलग भागों में तोड़कर कमजोर करना चाहिए। हमारी सेना का मनोबल गिर जाएगा। हमारे सेना प्रमुख ने भारत सरकार को आक्रामक कार्रवाई का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन के सैनिकों की रसद सामग्री का रास्ता रोक दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। चीनी उत्पादों से हम बीमार देश बन जाएंगे। चीन के उत्पादों को ज्यादातर यूरोपीय और अमेरिकी देशों ने बैन कर दिया है। चीन के पड़ोसी देश भी चीन के माल को कड़ी जांच करके ही खरीद रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी भी गड़बड़ लगती है तो वे उस माल को वापस कर देते हैं, लेकिन भारत सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है।